चेक कर लो, अभी चल अरे। तो हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून आवाज अब तक मेरी पहुंच नहीं रही थी पर अब जाएगी आवाज ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए नहीं थे हाँ कोई बात नहीं आवाज मेरी नहीं पहुंच रही थी लेकिन मेरी बुलंद आवाज यहाँ पर पहुंच गई है

नृत्य है उड़ीसा से है उत्तर प्रदेश तमिलनाडु या फिर केरल बहुत ही अच्छा प्रश्न है पहला ही प्रश्न सभी को आंसर करना है क्या हो जाएगा इसी के साथ में बहुत सारे नृत्य भी आज हम लोग रिवाइज करेंगे भरतनाट्यम नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है जितने लोग भी हैं नंदु कुमार प्रीति श्रद्धा रजनी शुक्ला पोल दिए नहीं दिए एक मिनट ये पोल स्टार्ट हुआ है क्या हो गया पोल नहीं चल रहे हैं। भाई इन्हें इन, 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 फीवर आ गया आज हुँ? हैं करें है क्या चलो कोई बात नहीं आप सभी बिल्कुल सही बता रहे हो भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा ठीक है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा इसी के साथ में आप बताएंगे घूमर नृत्य कहाँ का है ठीक है घूमर नृत्य कहाँ का है लावड़ी कहाँ का है लावड़ी कहाँ का है इसके अलावा और कौन सा आप बताओगे इसके अलावा आप बताओगे बिहू लोग स्वतंत्र पाल शांति पवन श्रद्धा रजनी हरिशंकर इंद्र प्रकाश आयुषी अंकिता पवन सपना शेष सोनू सभी लोग आंसर बताएंगे घूमर कहाँ का हो जाएगा घूमर हो जाएगा राजस्थान का ठीक है घूमर हो जाएगा राजस्थान का लावड़ी कहां का हो जाएगा लावड़ी हो जाएगा महाराष्ट्र का बिहू का हो जाएगा बिहू हो जाएगा असम का कुचिपुड़ी का हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश ठीक है कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश इसी में ही देखेंगे भांगड़ा का नृत्य है भांगड़ा बताएंगे जल्दी से बहुत ही जल्दी से आंसर बताएंगे भांगड़ा कहां का हो जाएगा बहुत बढ़िया सपना भांगड़ा कहां का है इसके अलावा रासलीला रासलीला आपके एग्जाम में पूछी जाती है रासलीला कहाँ की है कथक कहाँ का है कथक कथक तो रासलीला कथक की बात करेंगे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा तो भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे मोनोरेल किस शहर में संचालित है आज का दूसरा प्रश्न आज की क्लास का दूसरा प्रश्न मोनोरेल किस शहर में संचालित है बेंगलोर में कलकत्ता में मुंबई में या फिर चेन्नई में आंसर करेंगे इस प्रश्न का मोनोरेल किस शहर में संचालित है कीर्ति, रिया, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए सभी लोग मोनोरेल आपकी कौन से राज्य में संचालित है इस प्रश्न का उत्तर करेंगे मोनोरेल कहाँ की हो जाएगी एक बार से बता दो तीन बजे आपकी क्लास होती है अब डेली डेली थोड़ी बोल पाएंगे कि तीन बजे सब लोग ज्वाइन कर लिया करो ठीक है मोनोरेल कहाँ की चलती है आज ये पोल चल नहीं रहे हैं ठीक है तो इन्हें साइड में रख के आंसर के साथ में चलते हैं कि मोनोरेल आपके मुंबई शहर में एक प्रकार की ट्रेन ही होती है मोनोरेल कह सकते हो एक ही मतलब एक छोटा सा फॉर्म होता है और इसी पर ही एक पूरी की पूरी मतलब एक ही डिब्बा होता है पूरा उसमें चलता है ये ये मुंबई में देखने को मिलती है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थ्री मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं हाँ फीवर आ गया है पोल को पोल में झोल चल रहा है इसी वजह से ठीक है मधुबनी चित्र आपको पता होगी कहाँ की फेमस चित्र है? फे, फेमस पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है कौन से रंगों का प्रयोग करते हैं विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं अति उत्तम गुड़ता के फाइबर पेंट होते हैं सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट होते हैं या फिर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करो क्योंकि पोल पे आज फीवर चल रहा है हमें लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है उधर से लग गया ठीक है क्या हो जाएगा नेचुरल कलर बहुत बढ़िया पिसे हुए चावल के रंगीन घोल ठीक है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल प्रयोग करे जाते मतलब आप कह सकते हो प्राकृतिक चीजों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में और मधुबनी लोक चित्रकला जो है बिहार की फेमस फेमस पेंटिंग है अगला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न जो कि आप देखते हैं क्या आंसर करते हो हमारे देश में यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाल विवाह से संबंधित एक कानून है इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है जो कि लड़की के लिए 18 एवं लड़के के लिए 21 वर्ष लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 वर्ष लड़की लड़के दोनों के लिए 21 वर्ष या फिर लड़की के लिए 16 तथा लड़के के लिए 19 वर्ष बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर इस वाले पे पोल में मजा आता लेकिन वही ना पोल तो चल ही नहीं रही है इस पे अच्छा रहता है क्या बताओगे ए वाला आंसर करोगे या सी वाला आंसर करोगे ए मैक्सिमम आ रहे ए वाला आंसर पक्का ए वाला होगा या सी वाला होगा देखो अभी तक की तो थी अभी तक तो था आपका कि लड़के के लिए अट्ठारह लड़की के लिए अट्ठारह वर्ष लड़के के लिए इक्कीस वर्ष लेकिन अब आगे चल के कानून ये आ रहा है वो आगे चल के आ रहा है कि लड़का लड़की दोनों कम से कम 21 साल तो होने ही चाहिए ठीक है तो अभी हम इनके साथ में चले चलेंगे ए वालों के साथ में अगला प्रश्न नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं अबू धाबी में बर्लिन में थिम्पू में या फिर काबुल में रेत के टीले किस शहर में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर कीजिए दीप्ति सपना नंदू सोनू राहुल अलॉन मस्क भैया ये बहुत गलत बात है ये चल नहीं रहे हैं तो क्या करें यहाँ से कहाँ से डिलीट करना है इस पर यहाँ से करेक्ट कर दोगे ना कहाँ है ये एक मिनट रुक जाओ सभी क्योंकि पोल अच्छा सा चल नहीं रहा है अच्छा। ये वाला है शायद मेरा कौनसा था मेरा यही तो था ना अभी भी नहीं चल रहा है हैंग कर रहा कोई बात नहीं रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं ठीक है कहां पर पाए जाते हैं अबू धाबी में पाए जाते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीजें बनाया करते थे किसकी कांसे की चीजें बनाया करते थे आज भी हमारे घरों में कांसे का ही उपयोग होता है कांसे के विषय में सबसे सही कथन कौन सा है उसे चुनना है यह पीतल और तांबे का मिश्रण होता है तांबे और जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है या तांबे और टिन का मिश्रण होता है या एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व होता है बताएंगे कासे के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है कासे के बारे में कौन सा सही है सी वाला ऑप्शन बता रहे है, सी खटाखट खटाखट आंसर तो बता रहे है, तो कासा जो है कांसा जो है तांबे और टिन का मिश्रण होता है बिल्कुल सही है कांसा जो होता है क्या होता है तांबे और टिन का मिश्रण होता है बिल्कुल सही अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेवन इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे देश में जंग में एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्र यूनिट अथवा इकाई के रूप में जिसे टिन कहा जाता है आपको बताना है ये टिन क्या होता है भूमि जिस पर कोई किसान एक टीम बीज बोता है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीम बीज उत्पन्न करता है यह भूमि का मात्रक है जिसका अभिकल्पना रूप से जंगलों के किसानों के लिए की जाती है वह भूमि जिसकी विमाएं हंड्रेड इंटू हंड्रेड मीटर होती है बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही टिन क्या होता है एक मापक होता है एक मापनी होती है जिसमें कि जितना भी खेत होता है जैसे मान लो दो दो बीघा का खेत है या जो भी खेत है एक बीघा का खेत है तो एक टिन बीज उस पे डाला जाएगा और मतलब उससे जो भी आएगा मतलब एक टिन एक मापक होता है उसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रत्येक सेट की शर्तों का अध्ययन करें विषम सेट की पहचान करें कौन सा बिल्कुल अलग है बकरी दूध मांस मुर्गा मांस अंडा गाय दूध मक्खन पौधे सब्जी छाछ विषम सेट का अध्ययन करना है कौन सा बिल्कुल अलग है चार ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा अलग नजर आ रहा है क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर ए ए आंसर आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के ए ए आंसर कैसे दे रहे हो भाई ये देख रहे हो ये भी आपको जानवर से ये भी जानवर से ये भी जानवर से जानवर से ये 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 पौधे से ये पौधे से ये पौधे से कौन सा विषम हो गया विषम कौन सा हुआ डी वाला आंसर विषम हो गया करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला अगला प्रश्न भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा होता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है फिजियोग्राफ से सिस्मोग्राफ से कार्डियोग्राफ से या फिर बैरोग्राफ बढ़िया सा प्रश्न है आंसर बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा हो जाता है जितने लोग हैं सभी लोग लोग आंसर आंसर करेंगे बी ज्यादातर बता रहे हैं बी आंसर बहुत बढ़िया बी आंसर दे रहे हैं भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं सिस्मोग्राफ से मापते हैं अच्छा बैरोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आंसर करेंगे आप लोग बैरोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो बैरोग्राफ का प्रयोग वायु दाब को ठीक है वायु दाब को हम किससे मापते हैं बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का और जो ग्राफ बनता है उसे कहा जाता है बैरोग्राफ चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन फिर आप सभी यह भी बताएंगे सबसे छोटा दिन कब होता है देखे आपको यह भी बताना है सबसे छोटा दिन कब होता है इक्कीस मार्च इक्कीस जून तेईस सितंबर बाईस दिसंबर आंसर कीजिए आप सभी लोग दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा बड़ा दिन कब होता है सबसे छोटा दिन कब होता है भैया दक्षिणी गोलार्ध है इनका विशेष ध्यान रखो बी आंसर इतनी तेजी से लेकर के जा रहे जैसे लग रहा सारा का सारा तुम ही सही बता रहे हो बी और डी में कंफ्यूज हैं सब लोग सोच लो सोच लो दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है ना तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन कब होता है तब आपका इक्कीस जून हो जाएगा ठीक है ठीक है करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हाँ गर्ल डी वाला आंसर होगा आपका इसमें अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए माउंट एवरेस्ट यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर होती है माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है यह भारत का भाग है इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है यह तिब्बत का भाग है इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है बताएंगे अलॉन में सोनू अंसारी इंद्रप्रकाश प्रतिभा अंकिता प्रियंका रजनी आरती लता प्रतिभा बताओ भाई इस प्रश्न का उत्तर जब माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए क्या आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल सही माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि किसका भाग है नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है तो एट एट फोर एट मीटर बढ़ भी गई है हम कुछ ठीक है अगला प्रश्न डैश को रेशम के क्रम के रूप में के पालन के रूप में जाना जाता है रेशम पालन किसके अंतर्गत एक कल्चर, कल्चर वर्मी कल्चर या फिर इनमें से कोई भी नहीं आपको बताना है रेशम को के क्रमी के पालन के रूप में किसे जाना जाता है रेशम के क्रमी के पालन के रूप में किसे जाना जाता है तो रे, क्रमिक रेशम पालन क्या होता है सेरी कल्चर के अंतर्गत है ना सेरिकल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन किसके अंतर्गत होता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती किसके अंतर्गत होती है विटी कल्चर के अंतर्गत होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला आंसर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्टीन ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने हुए होते हैं यह लिपि किस पर आधारित होती है चार बिंदु छह बिंदु आठ बिंदु या फिर दस बिंदु ब्रेल लिपि के मोटे कागज में जो है उभरे हुए बिंदु ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर बनी हुई होती है सभी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कितने बिंदु पर बनी हुई होती है ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के नाम पर कितने बिंदु होते हैं छह बिंदु, है, बिंदु, है? बिंदु होते हैं कितने बिंदु होते हैं छह बिंदु होते हैं ठीक है कि नहीं ठीक है ठीक है ना क्या हो जाएगा सीधा सीधा प्रश्न है अगला प्रश्न कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने के सुझाव देता है मरीज किस रोग से पीड़ित है बुखार मियादी बुखार मलेरिया या फिर एनीमिया किससे पीड़ित है व्यक्ति गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है क्या हो जाएगा आंसर आंसर क्या होगा गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां इसका मतलब मरीज जो है एनीमिया से पीड़ित है किससे पीड़ित है मरीज आपका एनीमिया से पीड़ित है डी आंसर आपका सही होगा अगला प्रश्न लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है आपको आंसर करना है लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है चिकन कढ़ाई के लिए जामदानी वस्त्र के लिए पटोला बुनाई के लिए या फिर बंदाना बुनाई के लिए लखनऊ जानते हो चिकन की कढ़ाई सुनी होगी आपने है ना लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है क्या आंसर बता रहे हो सब लोग ए आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही पीयू क्या हो जाएगा चिकन कढ़ाई किस कहां पर लखनऊ में फेमस है अगला प्रश्न मिथिला लोक चित्रकारी को किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है मिथिला लोकप्रिय चित्रकारी और किस नाम से जानी जाती है वर्जली के नाम से मंदाना मधुबनी या फिर अल्पना के नाम से आंसर करेंगे इन प्रश्नों का जल्दी जल्दी फास्ट मिथिला लोक चित्रकारी किस रूप में जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है तो इसे मधुबनी पेंटिंग ठीक है मधुबनी के नाम से भी जानी जाती है मधुला मधु क्या है ये, ये लोक चित्रकारी सुंदरवन टाइगर रिजर्व ठीक है मिथिला लोक चित्रकारी सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में असम में या फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व बताना है आप सभी को किस राज्य में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में असम में पश्चिम बंगाल में नाम सुंदरवन है क्लियर ही होगा है ना सुंदरवन कहां पर स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है ठीक है कहां पर स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित अगला प्रश्न अभी ना लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है विषाणु के कारण प्रोटोजोवा बैक्टीरिया या फिर निमेटोडा चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है चेचक और रेबीज रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है तो चेचक का टीका जैसे आप जानते हो एडवर्ड जेनर ने रेबीज रोग भी जानते हो कि जैसे कुत्ता हो गया ठीक है इन सब के काटने से रेबीज हो जाता है तो ये किसकी वजह से होता है वायरल डिजीज ठीक है विषाणु जनित रोग होते हैं ये कौन से रोग होते हैं विषाणु जनित रोग होते हैं अगला आसुत जल का पीएच मान कितना होता है ये आपका पूछ रहा है डिस्टिल्ड वाटर का आसुत जल का पीएच मान पूछ रहा है फोर्टीन होता है सेवन होता है टेन होता है या फिर ट्वेल्व होता है आसुत जल जानते हो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाला होता है जिसके सारे के सारे मिनरल्स आपके खत्म हो चुके होते हैं है ना जिसके सारे मिनरल्स आपके खत्म हो चुके होते हैं तो आशुद जल आप जानते हो एक स्केल होती है पीएच स्केल जिसमें जीरो से सात तक को के अंदर जो भी होते हैं वो एसिड होते हैं सात से चौदह के बीच में जो होते हैं वो बेस होते हैं और सात वाला जो होता है वो क्या होता है एक तरीके से सॉल्ट में या न्यूट्रल में इसमें मान लिया जाता है तो आशुत जल भी हमारा इसी में आता है और इसका पीएच कितना होता है तो सेवन होता है ठीक है इसका पीएच कितना होता है इसका पीएच सेवन होता है, अच्छा, है। सोरेनसन ने बताया था ठीक है एक प्रकार का मापक होता है जिससे अम्ल और छार के बारे में पता चलता है अगला प्रश्न बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है ये बताना है आपको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सेवन पॉइंट फोर होता है भैया ब्लड का ठीक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर स्थित है तो यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा कहां पर है बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाएगा ऐसे ही पन्ना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ठीक है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ठीक है इसके अलावा बांधवगढ़ हो गया बांधवगढ़ हो गया माधवगढ़ हो गया ये सब पर स्थित है पेंच हो गया ये सब आपके कहा पर स्थित है ये सब आपके मध्य प्रदेश में स्थित है ऐसे घाना नेशनल पार्क ठीक है केवला देव घाना कहां हिल्स है, है? कर्नाटक में है ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ग्यारह दिसंबर ग्यारह जून इक्कीस दिसंबर इक्कीस जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे सभी लोग बिल्कुल सही कूनो राष्ट्रीय उद्यान जस्सी जस्सी बता रही हैं जिसमें अभी चीता कितने ठीक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता चीता आपने सुना होगा 2022 का प्रोजेक्ट है नामीबिया से आए हैं कितने चीता आए हैं आठ चीता जिसमें पांच फीमेल है तीन मेल है है ना कहां से आई है और ये जो चीता आए हैं कहां पर छोड़े गए हैं चीते तो ये कूनो नेशनल पार्क जो कि कहां पर है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है कब कब आए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ए, ए, छोड़े मतलब ए, किया गया था इनका सारी चीजें तो ये आए थे सितंबर 2022 में है ना कब आए थे सितंबर 2022 में डेट आपको ध्यान रखनी है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को ठीक है योग दिवस अच्छा इसी में बताएंगे युवा दिवस कब मनाते हैं यूथ डे कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस कब मनाते जल्दी से बताएंगे विज्ञान दिवस कब मनाते हैं बाघ दिवस कब मनाया जाता है इनके भी आंसर करेंगे साथ में बताएंगे सभी लोग जितने लोग भी हैं क्लास में तो युवा दिवस कब मनाया जाता है हाँ सात्विक युवा दिवस कब मनाया जाता है बारह जनवरी को मनाया जाता है अच्छा इसी के साथ में याद आ गया जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं ये भी इसका भी आंसर करेंगे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है बाघ दिवस कब मनाते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं जल्दी से बताएंगे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाते हैं ठीक है ग्यारह जुलाई को मनाते हैं इसी के साथ में बताएंगे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साक्षर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है इस प्रश्न का भी उत्तर साथ में करते जाएंगे और क्या बता दोगे और कौन सा बढ़िया से है गौरैया दिवस कब मनाते हैं? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस बताओ विश्व मानवाधिकार दिवस ये बताएंगे जल्दी से ठीक है तो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बहुत बढ़िया का आंसर दिख रहा है लकी यादव का दिख रहा है आठ सितंबर को मनाया जाता है ठीक है ये, 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 ये कब मनाया जाता है भारतीय महिला दिवस कब मनाते हैं गौरैया दिवस कब मनाया जाता है बीस मार्च को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दस दिसंबर को मनाया जाता है अच्छा इसी में बताएंगे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर और भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भारतीय महिला पूछ रहे हैं तेरह फरवरी को तेरा फरवरी को क्या होता है सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है इस दिन भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है लेकिन अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ठीक है अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तब आप बताओगे आठ मार्च को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो नौ जनवरी को मनाया जाता है ठीक है नौ जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं ये बताओ ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है आंसर करेंगे जल्दी से आंसर करेंगे ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ठीक है बालिका दिवस कब मनाया जाता है बालिका दिवस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं बालिका दिवस कब मनाते हैं जनगणना दिवस कब मनाते हैं राष्ट्रीय जनगणना वोटर्स डे बताएंगे जल्दी से बहुत बढ़िया ब्लूइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है चार जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस कब मनाया जाता है चौबीस जनवरी को जनगणना दिवस या सॉरी जनगणना कह रहे मतदाता दिवस उसको कहा जाता है मतदाता दिवस वोटर्स डे कब मनाते हैं पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं गणतंत्र छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते है ना बहुत हो तो गया बहुत हो तो गया ठीक है ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला विश्व जल दिवस अभी भी दिवस ही पूछ रहे हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बाईस मार्च तेईस मार्च चौबीस मार्च पच्चीस मार्च विश्व जल दिवस बताएंगे जल्दी से बताएंगे विश्व जल दिवस कहा बढ़िया विवेक या, व, गुप्ता भारतीय महिला तेरह फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की याद में ठीक है चलो इसे बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये बाईस वाला डेटा तो सबको पता था इसीलिए मैंने बताया नहीं था ठीक है जल दिवस पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस है ना जल दिवस मनाया जाता है बाईस मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है बाईस अप्रैल को और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है बाईस मई को ये तो याद ही है ना इसमें भी कुछ बताना है ये तो सारे याद ही होंगे है ना अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी मानव निर्मित वस्तु जल प्रदूषण का कारण हो सकती है जल प्रदूषण का कारण घरेलू डिटर्जेंट मल औद्योगिक कूड़ा या फिर उपरोक्त सभी ये तो नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर मानव निर्मित वस्तु जल प्रदूषण का कारण हो सकती है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सभी हो जाएंगे डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी घास है बास इंडियन गुज घास पर्वतीय घास धूप घास सबसे लंबी घास कौन सी हो जाएगी फन क्रिएटर बताइए जल्दी से सबसे लंबी घास कौन सी हो जाती है सबसे लंबी घास कौन सी घास होती है सबसे लंबी घास हमारी भी क्या होती है एक प्रकार की घास होती है, जो कि सबसे लंबी घास होती है। क्या हो गया रुको पेज ऐड सबसे लंबी घास होती है ठीक है इसी में प्रश्न ये वाला निम्न में से कौन सा प्राणी नम त्वचा की मदद से सांस लेते हैं नम त्वचा की मदद से केचुए मछली गोरैया चूहा नम त्वचा की मदद से सांस लेते हैं मतलब स्किन से सांस कौन लेते हैं अर्थ फिशेस स्पायरो या फिर माउस ठीक है क्या हो जाएगा केचुआ नम त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं ठीक है अगला प्रश्न पौधे जो पादप वर्ग के उभयचर के रूप में जाने जाते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टारिडो फांटा या फिर एनजीओस पम जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ठीक है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर विमलावती ने आंसर बिल्कुल सही दिया है बाकी लोग तो पता नहीं कहां चले जाते हैं कुछ भी आए ए बी सी डी में कुछ तो लगाएंगे ही वही वाला हाल है ठीक है पौधे जो पादप वर्ग के उभयचर के रूप में जाने जाते हैं किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है? ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं क्रिप्टोगाम के अंतर्गत ठीक है किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिप्टोगाम के अंतर्गत मतलब ये फूल नहीं देते हैं ठीक है

अगला प्रश्न तट रेखा नदियों आदि के दोहन के अध्ययन हेतु निम्न में से किन गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है किनका शिकार और शिकारी गतिविधि सीओ एक्सचेंज साइकिल गतिविधि फैक्ट्री फॉर्म गतिविधि संकट ग्रस्त आवास गतिविधि बताओ हाँ सही बता रहे हो चलो ठीक है सही बता रहे हो इसे बताएंगे जल्दी से ऐसे प्रश्न का उत्तर देंगे क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा क्या होगा वनों तटरेखा नदियों आदि के दोहन के अध्ययन हेतु किनका उपयोग किया जाता है किनका उपयोग किया जाता है B वाला आपका सही हो अगले प्रश्न पर चलेंगे अगले प्रश्न पर जल रासायनिक कारक किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है हाइड्रोजन के द्वारा पारा एसिड या फिर पोटेशियम पर किसके द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है आंसर करेंगे सभी लोग किसके द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है बिल्कुल सही क्या बता रहे ए बता रहे डी बता रहे किसके द्वारा भैया पोटासियमनेट किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है पोटैशियम पर के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है तो आज ये थे थे प्रश्न ठीक है आज ये थे 30 तो कुछ के अब आपको बता देते परिणाम बैच में पांच बजे से क्लास होगी नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज का सेशन ऐसे ही पोल आपके चल नहीं थे तो ठीक है जैसा भी सेशन था ठीक है, 30 प्रश्न थे आपका रिवीजन ठीक था, बाकी कल आपको फिर से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 30 से या कल जो है, कल आपको 40 क्वेश्चन तक मिलेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न, 40 प्रश्न मिलेंगे, और उसमें जो है, आपके बहुत सारे जो है स्टैटिक जीके वाले टॉपिक भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है जोग्राफी का भी कुछ सेक्शन इंक्लूड किया जाएगा ठीक है उसमें ईवीएस का भी कुछ सेक्शन तो मतलब सारी चीजें उस उसपे रहेंगी एड दस दस क्वेश्चन करके तो एक बहुत ही अच्छा सेशन मिलेगा इसके अलावा सैटरडे को लेकर के आएंगे सुपर टेट के लिए एक स्पेशल सेशन मतलब एक एक घंटे या दो घंटे का स्पेशल सेशन लेकर के आएंगे सैटरडे को ठीक है पूरी तरीके से बेस्ड होगा सुपर टेट की ईवीएस के लिए मतलब उसमें स्टैटिक जीके भी ऐड रहेगा और ईवीएस भी ऐड रहेगा तो एक सेशन लेकर के आएंगे क्वेश्चन है, है, इस वजह से ज्यादा बोलना हो नहीं पा रहा हमसे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय पढ़ते रहिए सीखते रहिए बने रहिए हमारे साथ टीचिंग वाला के साथ बाकी कमेंट करके जरूर से बताएं क्लास आपको कैसी लगती है क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं थैंक यू